हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले हैं आप लोगों के पास, जिससे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तो हमने थोड़ा सा ट्राई किया है कि आपको कैटेगरी वाइज जो है वो फॉर्मूले कराए जाएं, और कैटेगरी बेस्ड, जैसे अगर फर्स्ट कैटेगरी हम लोग आपको कराएंगे फॉर्मूले की, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, ताकि आपको रिलेट करने में थोड़ी सी आसानी हो। फिर कैटेगरी टू कराएंगे आप लोगों को, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे आपकी एक्सरसाइज में से, ताकि आपको रिलेट करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि लास्ट एक्सरसाइज पर ही बेस्ड है आपकी। दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 को आपको प्रूव करना है -1/2 के इक्वल। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, आप इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, दिस इज cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 10 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, आप लोगों को ये याद होगा कि हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस करा है कि हमने जो डिग्री एंगल्स है उन्हें रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आपको रेडियन फॉर्म मिलेगी, जो है डिग्री फॉर्म नहीं मिलेगी। तो थोड़ी सी कुछ चीजें हैं उन्हें आपको याद करना है, लाइक पाई बाय 3 इज बेसिकली इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं, ट्रिक्स भी नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें आप लर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक 60 डिग्री जो है उसमें 3 अपॉन में आता है, और 30 डिग्री वाला जो है उसके नीचे 6 आता है, और 45 डिग्री वाला जो है उसके नीचे 4 ही आता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग एज अ स्टूडेंट थे तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजें अपने आप से बनाई हैं, आप लोग भी बनाइए और आप लोगों को लर्न करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए साइन पाई बाय 6 6 है 30 डिग्री, यानी साइन पाई बाय 6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाय 3 दैट मीन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू इज ऑल्सो 1/2। 10 पाई बाय 4 दैट मीन्स 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, दैट इज 1/4, 1/4 माइनस 1, 1/4 और 1/4 इज बेसिकली हाफ, हाफ में से अगर आप 1 माइनस करेंगे दैट इज योर माइनस हाफ, दिस इज योर राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 आपको प्रूव करना है 3 पाई बाय 2 के इक्वल। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, जो स्क्वायर है उन्हें अलग लगा दीजिए, ये बन गया आपके पास साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉस एक्स 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए पाई बाय 6 जो है वो तो आपके पास 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो गई। लेकिन ये जो वैल्यू है ये अभी मैंने आप लोगों को नहीं डिस्कस करी, तो देखिए किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। पाई का मतलब होता है 180, 180 डिवाइड बाय 6 आप सिंपली कह सकते हैं पाई बाय 6 इज 30, 30 इंटू 7 इज 210। तो बेसिकली आपको कॉसेक 210 की वैल्यू निकालनी है, और कॉसेक 210 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे 90 से डिवाइड कर दीजिए, 90 से डिवाइड कर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रिमाइंडर मिल जाएंगे। यानी आप 210 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें, सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें हमने आपको डिस्कस किया है कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए सेकंड में आपने कुछ भी प्लस किया, आप चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी कॉसेक का आंसर नेगेटिव होगा, इसलिए आपने सबसे पहले साइन लगा दिया। दूसरी चीज, यहां पर जो नंबर है वो ऑड है या इवन है, अगर इवन है तो कॉसेक थीटा एज इट इज आ जाएगा, अगर यह ऑड होता तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता। तो फिलहाल यहां इवन है तो कॉसेक 30 डिग्री आपके पास एज इट इज आ गया, कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, दिस इज -2 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाय 3 दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 आपको प्रूव करना है 6 के इक्वल। तो आप लोगों ने लिख दिया कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, कॉसेक 5 पाई बाय 6 एज इट इज, इसे लिख दिया अपने 10 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। कॉट पाई बाय 6 दैट मीन्स कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास हो गई √3 उसका स्क्वायर। फिर से प्रॉब्लम, कॉसेक 5 पाई बाय 6, नाउ पाई बाय 6 मीन्स 30, 30 इंटू 5 इज 150, नाउ कॉसेक 150 की वैल्यू जो है वो आप कैसे निकालेंगे, आप इसे 90 से डिवाइड कर दीजिए। जब भी आपके पास 90 से बड़ा एंगल आए घबराने की जरूरत नहीं है, 90 से डिवाइड कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा 90 इंटू 1, रिमाइंडर आपके पास 60 है, तो कैन वी राइट कॉसेक 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। 1 में आपने एक भी डिग्री प्लस करी, आप चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए आपके पास साइन क्या लगा दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई में देखिए क्या है, ऑड नंबर है ये वाला, जब आपने साइन देखना है तो आपने क्वाड्रेंट ऐड करके चेक करना है, जब आपने चेंज होगा या नहीं देखना है तो यहां पर ऑड देख लीजिए, बस इवन देख लीजिए, ऑड है चेंज होगा। कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में, थीटा आपने यही लेना है हमेशा 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री इज बेसिकली इक्वल टू कॉसेक 150 डिग्री, तो आपने वैल्यू निकाली, अब सेक 60 डिग्री इज बेसिकली 2, फिर 10 पाई बाय 6 दैट मीन्स 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर, सॉल्व कीजिए यू गेट योर आंसर
आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक्स स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10 आपको प्रूव करना है. आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी और 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर लिखा. कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 उसका होल स्क्वायर हो गया. सेक पाई बाय 3 मीन्स सेक 60 डिग्री जिसकी वैल्यू है 2 दैट इज होल स्क्वायर. अब आपको इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए पाई बाय 4 मीन्स 45. 45 इंटू 3 इज 135 यानी बेसिकली आपको साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. 90 से इसे डिवाइड कीजिए. साइन 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री दिस इज योर रिमाइंडर ऑलवेज. तो 90 इंटू 1 प्लस 45, 1 में आपने कुछ भी प्लस करा आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के बेसिस पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. तो सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव लगा दिया लेकिन यहां पर ऑड है तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में. तो ध्यान रखिए जब भी ऑड होता है तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है आपके पास टेन में. लेकिन अगर यहाँ इवन हो तो एज इट इज साइन 45 डिग्री आपके पास आ जाता. नाउ आपके पास साइन 135 डिग्री इज बेसिकली इक्वल टू कॉस 45 डिग्री. कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 2. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों की एक तरीके से सेकेंड एक्सरसाइज की रिविजन थी और जो आप लोगों ने टेंथ में टेबल पढ़ा था उनकी वैल्यूज को चेक किया है कि आपको लर्न है या नहीं है. अब देखिए अब आपके पास फॉर्मूला शुरू होते हैं 11th के जो कि 12th में भी आपके बहुत काम आएंगे. तो इनको प्लीज बहुत अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए, एक एक कैटेगरी वाइज कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप एक साथ एकदम लिखकर बैठ जाइए और एकदम सारे फॉर्मूले लर्न करने बैठे तो आप घबरा जाएंगे. एक एक कैटेगरी करिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए. तो कैटेगरी 1 अकॉर्डिंग टू आर एक्सप्लेनेशन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और अगर यहाँ माइनस है दैट मीन्स साइन ए माइनस बी तो बस इसी फॉर्मूले में आपके प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया. तो इनके ग्रुप बना लीजिए. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इसी तरीके से आपके पास कॉस के फॉर्मूले हैं कॉस ए प्लस बी. ऐसे याद रखेंगे कि कॉस प्लस का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है और जो माइनस का फॉर्मूला है उसमें प्लस है. ये याद रखिएगा कॉस उल्टा करता है जनरली. तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. जिस तरीके से आपने साइन का पढ़ा कॉस का पढ़ा टेन ए प्लस बी तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी. टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर जहां प्लस है उसे माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, यू गेट योर फॉर्मूला. नाउ कॉट ए प्लस बी जो कि बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं बट फिर भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको लर्न करने हैं. कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसे किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, देखिए 10 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, रिवर्स भी कर दीजिए, रेसिप्रोकल रिवर्स. तो देखिए ये चीज आपकी न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में और राइट वाली लेफ्ट में, लेफ्ट वाली राइट में, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं. तो ये बन जाएगा ये वाली चीज आपकी न्यूमिनेटर में चली गई और ये लेफ्ट वाली चीज इधर आ जाएगी. दैट इज कॉट ए कॉट बी माइनस वन एंड दैट इज बिकम कॉट बी प्लस कॉट ए. नाउ कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला सिमिलरली इसी से बनेगा. तो ये चीज ऊपर चली जाएगी और रिवर्स भी हो जाएगी. कॉट ए कॉट बी प्लस वन एंड दैट इज बिकम कॉट बी माइनस कॉट ए. अदरवाइज आप लर्न भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई कीजिए. अब देखते हैं जो फॉर्मूले आप लोगों को कराए कैसे पता चलेगा इनका इस्तेमाल कहाँ होगा. अभी तक आप लोगों ने देखा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अगर है तो वैल्यू आपको पता होती है. अगर वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो आप 90 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं जो हम लोगों ने आपको 3.2 एक्सरसाइज में सिखाया. लेकिन वॉट अबाउट अगर वैल्यू 90 डिग्री से कम है और वो टेबल में भी नहीं आती है तो क्या किया जाए. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली. अब देखिए ना तो ये टेबल में वैल्यू है ना ही ये 90 डिग्री से बड़ी है जिसमें हम अपना वो फंडा अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आपके लिए ये फॉर्मूले काम आएंगे 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए. आप 75 को ऐसी टर्म्स में ब्रेक कीजिए जो टेबल में पड़ती हैं. तो आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री. तो हमने 75 को अंदर ही अंदर लिख दिया 45 प्लस 30 डिग्री. नाउ दिस इज रिजेम्बलिंग टू दिस फॉर्मूला साइन ए प्लस बी. ये बिल्कुल गलत सोच है कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे. देखिए sin कोई चीज नहीं है, एंगल को डिफाइन करने के लिए साइन आया है और ये इसके साथ पूरा का पूरा है. अगर ऐसा होता कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता तो फॉर्मूले नहीं बनते आपके पास. तो ये गलती नहीं करेंगे आप लोग दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. साइन कुछ भी नहीं है विदाउट एंगल. तो ये पूरा का पूरा उसका एक एंगल ही है, आप इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसे. तो फॉर्मूला लग रहा है आपके पास साइन ए प्लस बी का. तो फॉर्मूला ओपन कीजिए, फॉर्मूला है आपके पास
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अकॉर्डिंगली आपको ए की वैल्यू भी क्लियर है, बी की वैल्यू भी क्लियर है 30 डिग्री, तो ए की जगह 45, बी की जगह 30, ए की जगह 45, बी की जगह 30. नाउ साइन 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2. आपने मल्टीप्लाई किया, टेक एन एलसीएम, आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसे ड्रॉप कर सकते हो. तो देखा आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ होगा, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है. आपसे साइन 75 पूछा गया है, आपसे कॉस 75 डिग्री भी पूछा जा सकता है. इसी तरीके से अब आपके पास 10 15 डिग्री की वैल्यू अगर पूछी जा रही है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 45 डिग्री -30 डिग्री, 10a - b. तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 10a - 10b होल अपॉन 1 + 10a × 10b. तो आप देखिए ए की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है और बी की जो वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री, वो वैल्यू आप यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3. ठीक है, एलसीएम. उसके बाद आपके पास ये चीज रह गई, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज करके आपके पास 2 - √3 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका. देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या है, कॉस विद इन ब्रैकेट π/4 - x, कॉस π/4 - y, साइन π/4 - x इंटू में साइन π/4 - y. आपको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल. तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी. तो बस आपने जैसे ही पहचाना आपको क्लियर हो गया कि ये क्या चीज करी जाएगी अब इसकी. देखिए कभी कभी अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन होती है यानी फॉर्मूला बंद होता है तो आप उसे ओपन कर देते हैं, अगर ओपन होता है तो आप लोगों को बंद करना होता है, यही चीज आप लोगों ने फॉर्मूले में करनी हो. तो दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ए की वैल्यू आपके पास ये है, बी की वैल्यू आपके पास ये है, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी. नाउ π/4 इज 2π/4 विच इज बेसिकली π/2, दिस इज -x - y, बट दिस इज नॉट योर राइट हैंड साइड इज इन द फॉर्म ऑफ साइन. तो देखिए हम लोगों ने यहां से माइनस कॉमन लिया, ये बन गया आपके पास एक्स प्लस वाई. नाउ कॉस 90 - थीटा, ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, साइन थीटा, दिस इज योर राइट हैंड साइड. तो आपने देखा किस तरीके से जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है उसका फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में इस्तेमाल हुआ. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 10π/4 + x / 10π/4 - x, ये आपको प्रूव करना है 1 + 10x / 1 - 10x के होल स्क्वायर के. आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 10a + b और नीचे क्या लगेगा 10a - b का. तो बेसिकली ये फॉर्मूले को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, 10a + b का फॉर्मूला होगा 10a + 10b 1 - 10a × 10b और 10a - b का फॉर्मूला होगा 10a - 10b 1 + 10a × 10b. तो आप यहाँ फॉर्मूला ओपन कीजिए, 10a + b का 10a + 10b होल अपॉन 1 - 10a × 10b होल अपॉन 10a - b का फॉर्मूला 10a - 10b होल अपॉन 1 + 10a × 10b. नाउ 10π/4 इज 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 + 10x, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 1 - 10x, सिमिलरली 1 - 10x / 1 + 10x, न्यूमिनेटर एज इट इज रखकर डिनोमिनेटर का आपने रेसिप्रोकल लिया, 1 + 10x 1 + 10x दैट इज 1 + 10x का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 - 10x 1 - 10x दैट मीन 1 - 10x का होल स्क्वायर. तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से कैटेगरी 1 का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास कॉस π + x cos - x, साइन π - x साइन कॉस 90 + x. देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो फिर से आपकी जो है वही फंडा आपके पास अप्लाई हो जाएगा, कॉस π + x इज बेसिकली 180. आप इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 × 2, पाई को हमने क्या लिख दिया 90 × 2 + x. नाउ सेकंड में आपने कुछ भी प्लस करा, आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में कॉस क्या होगा आपके पास नेगेटिव, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया आपके पास माइनस और इवन नंबर यहां होने की वजह से ये चेंज नहीं होगा, यानी कॉस का कॉस रह गया. तो दैट मीन्स कॉस π/x इज बेसिकली इक्वल टू -cos x और कॉस -θ. तो हम लोगों ने अपनी एक वीडियो में ये भी डिस्कस करा था कि जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल आपके पास नेगेटिव हो जाते हैं और कॉस और सेक अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी खा जाता है और बाकी सारे जो होते हैं वो अपने नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं. तो कॉस -x इज बेसिकली इक्वल टू कॉस एक्स. नाउ साइन π - x सिमिलरली, पाई को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 × 2 - x लिख सकते हैं आप, तो 90 × 2. अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ माइनस करेंगे आप फर्स्ट में नहीं जाएंगे, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आप बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट के एंड में बैठे होते हैं और ये रिमाइंडर कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता. तो अगर आप यहां हैं तो अगर आप कितनी भी वैल्यू माइनस करें, ये 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, आप अल्टीमेटली सेकंड में ही रहेंगे क्योंकि जो पूरा ड्यूरेशन है ये 90 का है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने माइनस करा आप सेकंड में ही हैं, लेकिन अगर आप कुछ प्लस करते तो आप थर्ड में चले जाते 1 डिग्री भी. तो सेकंड
क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इवन नंबर होने की वजह से चेंज भी नहीं होगा, दैट मींस साइन एक्स आ गया आपके पास, तो दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू साइन एक्स। सिमिलरली यहां पर हम लोगों ने लिया दिस इज कॉस 90, ऑलरेडी 90 है तो हमने ले लिया 90 इंटू 1 प्लस एक्स। नाउ 1 में आपने कुछ भी प्लस करा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपके पास? नेगेटिव। फिर यहाँ ऑड नंबर होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, पहले ऑड इवन चेक कर लेते हैं, पहले आपने साइन चेक करना है। तो फर्स्ट में आपने प्लस करा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए पहले आपने नेगेटिव लगाया, फिर ऑड इवन चेक कीजिए, यहाँ ऑड है इसलिए कॉस किस में चेंज हो गया आपके पास? साइन में। तो दिस इज योर माइनस साइन एक्स, ये माइनस से माइनस कट गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है इट बिकम कॉट स्क्वायर एक्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π+x। सिमिलरली जैसे हमने भी लास्ट में किया, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है इसकी, राइट हैंड साइड सॉरी 1 के इक्वल। तो आप लोगों ने इसे कैसे लिखा? दिस इज कॉस 90 इंटू 3, क्योंकि पाई बाय 2 मीन्स 90। दिस इज कॉस 90 इंटू 3 प्लस एक्स। थर्ड में आपने कुछ प्लस करा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं इसलिए साइन लगा दिया हमने पॉजिटिव का। फिर यहाँ ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा। आपको बताया था कि चेंज किस में होगा, जो साइन है वो आपके साथ कॉस में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो आपके पास साइन में इंटरचेंज हो जाएगा, और आपके पास 10 जो है वो कॉट में इंटरचेंज होगा, और कॉट जो है वो 10 में इंटरचेंज होगा, सीकेंड कॉसिकेंड में, और कॉसिकेंड सीकेंड में। तो ये आप याद कर सकते हैं कि कौन सी चीज किस में चेंज होगी। अब ये देखिए साइन एक्स आ गया, नाउ ये 2π, 2π मींस 360। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 90 इंटू 4, और ये प्लस एक्स तो चल ही रहा है। अब अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी प्लस करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए फिर से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि रूल यही है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसलिए आपके पास ये पॉजिटिव आ गया, और यहाँ इवन था इसलिए चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स आ गया, तो दिस बिकम कॉस एक्स। नाउ कॉट के लिए चेक करते हैं, दिस इज पाई बाय टू इंटू थ्री, तो 90 इंटू थ्री माइनस एक्स। थर्ड क्वार्टर में आप कुछ भी माइनस करेंगे, आप थर्ड में ही रहेंगे, थर्ड में कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ इवन था इसलिए कॉट किस में चेंज हो गया आपके पास? 10, तो ये आपके पास 10x आ गया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 10x। नाउ दिस वन 2π, 2π मतलब 360, तो 90 इंटू 4 प्लस एक्स। फोर्थ में आपने कुछ भी प्लस करा, फर्स्ट क्वार्टर में चले गए हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज आपके पास पॉजिटिव होती हैं, फिर यहाँ इवन नंबर है आपके पास इसलिए कॉट एज इट इज आ गया, दैट इज कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स आ गया। अभी भी आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर नहीं आया, 1 आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, 10x को आप क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन हो आप उनका एलसीएम ले लीजिए, दैट इज बिकम साइन एक्स कॉस एक्स। जब आपने एलसीएम लिया तो इसे आपको साइन स्क्वायर से इंटू करना पड़ा इसे कॉस से, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन एन प्लस 1 विद इन ब्रैकेट एक्स साइन एन प्लस 2, ये पूरा का पूरा इसका थीटा है, साइन के लिए ये इसका थीटा है, ये इसका थीटा है, ये इसका थीटा है, तो ये कुछ फॉर्मूला सा बनता हुआ आ रहा है, आपने इसे लास्ट क्वेश्चन भी अभी देखा था जैसा ही था वो। तो पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, आप कॉस वाली चीज को आगे लिख दीजिए साइन, क्योंकि प्लस में है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपने लिखा, तो देखिए कुछ हद तक इस फॉर्मूले से मिलता हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज बेसिकली इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स में से 2x माइनस करेंगे माइनस एक्स, आपको बताया है कि कॉस नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो द रिजल्टेंट आंसर इज कॉस एक्स। आई होप इट्स क्लियर। जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है उस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड कैटेगरी पर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।